हेलो दोस्तों, समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल यानी एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स पर चर्चा की। आज हम उसी से संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे। चलिए शुरुआत अपने पहले प्रश्न से करते हैं। दी गई आकृति में चतुर्भुज के एल एम एन एक समांतर चतुर्भुज है तथा त्रिभुज ओ एन एल और त्रिभुज के ओ एन का क्षेत्रफल क्रमशः 10 और 15 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। तो त्रिभुज एल एम एन और त्रिभुज ओ एम एन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, हमें यहाँ त्रिभुज एल एम एन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें दिया है कि चतुर्भुज के एल एम एन एक समांतर चतुर्भुज है और एन एल इसका एक विकर्ण यानी डायगनल है। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है जिनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के एल एन और त्रिभुज एल एम एन के क्षेत्रफल बराबर होंगे। इसे हम समीकरण एक कहते हैं। आप आकृति में देख सकते हैं कि त्रिभुज के एल एन इन दोनों त्रिभुजों यानी त्रिभुज के ओ एन और त्रिभुज ओ एन एल से मिलकर बना हुआ है और हमें त्रिभुज के ओ एन और त्रिभुज ओ एन एल इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल दिया गया है। इसीलिए इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल जोड़कर हम त्रिभुज के एल एन का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार समीकरण दो में इनका मान प्रतिस्थापित करें तो हमें त्रिभुज के एल एन का क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होगा। समीकरण एक से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के एल एन और त्रिभुज एल एम एन का क्षेत्रफल बराबर है यानी त्रिभुज एल एम एन का क्षेत्रफल भी 25 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर होगा। अब त्रिभुज ओ एम एन का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। हम देख सकते हैं कि त्रिभुज ओ एम एन और त्रिभुज एल एम एन ऐसे दो त्रिभुज हैं जो एक ही आधार एम एन पर स्थित हैं और एक ही समांतर रेखाओं के एल और एन एम के बीच स्थित हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। इसीलिए त्रिभुज ओ एम एन और त्रिभुज एल एम एन का क्षेत्रफल बराबर होगा यानी त्रिभुज ओ एम एन का क्षेत्रफल होगा 25 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दी गई आकृति में रेखा x और रेखा y समांतर है तो बताइए कि दिए गए विकल्पों में से कौन से विकल्प सही हैं। आइए पहले विकल्प पर चर्चा करें। दी गई आकृति में हम देख सकते हैं कि दोनों त्रिभुज PAQ और त्रिभुज PBQ का आधार एक ही है PQ और ये दोनों समांतर रेखाओं X और Y के बीच स्थित हैं। और हम पढ़ चुके हैं कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। इसलिए त्रिभुज PAQ और त्रिभुज PBQ के क्षेत्रफल बराबर होंगे यानी हमारा पहला विकल्प सही है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे विकल्प की ओर। अब त्रिभुज APE और त्रिभुज AQE पर चर्चा करेंगे। क्या त्रिभुज APE और त्रिभुज AQE का आधार एक ही है? जी हाँ, ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार
आधार AE पर बने हुए हैं और ये दोनों एक ही समांतर रेखाओं X और Y के बीच स्थित हैं। और हम जानते हैं कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, अतः ये दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा, यानी हमारा दूसरा विकल्प भी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले विकल्प की ओर। अब आप त्रिभुज POQ और त्रिभुज PCQ को ध्यान से देखिए। इनका आधार एक ही है, आधार PQ। अगर इनका आधार एक ही है तो क्या इनका क्षेत्रफल भी बराबर होगा? जी नहीं। आकृति में हम देख सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित नहीं हैं, अतः इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर नहीं होगा, यानी हमारा यह विकल्प गलत है। इसी प्रकार आप बाकी विकल्पों की तुलना स्वयं या अपने सहपाठियों के साथ करने का प्रयास करें। जाने से पहले मैं आपको चौथे विकल्प के लिए एक संकेत देती हूँ। बिंदु O और बिंदु F से जाने वाली एक रेखा खींचिए। चलिए इस रेखा को Z कहते हैं। तो हम देखेंगे कि यह रेखा Z रेखा Y के समांतर होगी। दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स पर आधारित कुछ प्रश्न हल किए। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी से संबंधित कुछ और प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।